हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केसीटी माइंड ब्लोइंग। फ्रेंड्स, मैं हूं कैलाश माली और आज से ये मेरा नया चैनल है। फ्रेंड्स, नए चैनल पे मेरा पहला वीडियो अपलोड किया हूं, तो फ्रेंड्स वीडियो देखने से पहले मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है ताकि इससे भी बढ़िया मैं आपके लिए वीडियो बना सकूँ, आपके लिए वीडियो ला सकूँ, नई नई वीडियो की खोज कर सकूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे ज़रूर सपोर्ट करें फ्रेंड्स। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और अगर आपकी इच्छा हो तो एक शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। थैंक यू। हाय, नमस्कार फ्रेंड्स, मैं कैलाश एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई चीज़ लेके, एक नया वीडियो लेके, जो कि एक ऐसी चीज़ है राजस्थान की खास जो आपको शायद ही आज तक किसी ने बताई होगी। एक ऐसा पेड़ बताऊंगा मैं आपको जो कि कम से कम 1000 बीमारियों के लिए लाभदायक होता है, लेकिन आज के विज्ञान के इस ज़माने में उस पेड़ की कोई अहमियत नहीं रही, क्योंकि जो आयुर्वेदिक दवाई बनाते हैं वो सभी इस पेड़ को पहचान पाते हैं, बाकी सब तो आजकल पूरी केमिकली मेडिसिन आ गई है, तो अभी आयुर्वेद तो बचा नहीं है। पर मैं आपको दिखाऊंगा कि वो पेड़ क्या है और आपको पेड़ का भी पूरा सीन बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको वो पेड़ कैसा होता है और किस चीज़ का वो पेड़ है, कैसे पत्ते होते हैं, किस तरह से उसको उपयोग में लिया जाता है। देखिए दोस्तों, यही वो पौधा है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। आपको देखने में भी बहुत प्यारा लग रहा होगा। ये देखिए, इसके ये फूल हैं, ये सिर्फ फूल होते हैं, इसके फ्लावर होते हैं। उसके साथ ही ये इसके फल होते हैं। ये इसका फल है, ये इस प्रकार का होता है और इसमें बहुत सारी मतलब कि बीमारियों का इलाज छुपा होता है इस पौधे में। इतनी बीमारियों का इलाज होता है कि हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन अभी आज के विज्ञान के इस ज़माने में कौन इसको सभी ढूंढने के लिए बैठेगा यहाँ पे। लेकिन जो आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ बनती हैं वो हर दवाई में ये प्रयोग कर सकते हैं, मतलब इतना इसका इस पौधे को आक नाम से बोलते हैं। इसका नाम है आक, AAK AA के आक। ये सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में ही पाया जाता है और इसको मतलब उगाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही उगता है, नेचुरली उगता है ये। इसको बीज डाल के उगाने की, खेत में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये अपने आप ही खेत के चारों ओर बाड़ पे, बॉर्डर पे उग जाता है और न पानी देने की ज़रूरत है, न खाद देने की ज़रूरत है, ये खुद ही ग्रो होता है। और एक बार उगने के बाद ये 5-6 साल तक रहता है पौधा। ऐसे ही हर बार इसको नए फ्लावर्स आते हैं, फिर नए वो फल लगते हैं और अपने आप ग्रो होते रहता है। और फ्रेंड्स, इसका मतलब पत्ते फल इतने कड़वे होते हैं कि हम लोग सिर्फ जीभ से टच भी कर ले तो वोमिटिंग हो जाए, मतलब इतना कड़वा होता है, इतना खारा होता है। और इसका दूध आता है, इसका दूध भी बहुत मतलब पावरफुल है बीमारियों का इलाज करने के लिए। और इसका फल में भी बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं, बीमारियों को ठीक करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन हम लोग जानते नहीं हैं तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते।
जो इसका जानकार रहता है या जो कोई आयुर्वेदिक रहता है वही इसको उपयोग में लेता है और आज भी लेता है। ये देखिए फ्रेंड, मैंने एक पत्ता तोड़ा है और इसमें अभी दूध गिर रहा है। ये देखिए, जहाँ से मैंने पत्ता तोड़ा है वहाँ से पूरा दूध निकल के गिर रहा है। ये सफ़ेद दूध होता है इसका, हर पत्ते के नीचे से दूध गिरता है अगर तोड़ने से। और ये दूध इतना फ़ायदेमंद है कि बड़ी से बड़ी तकलीफ़ें भी दूर कर दे। और अभी मैं इसके इस फल को तोड़ के देखता हूँ कि यहाँ पे क्या मिलेगा हमको। बहुत मुश्किल से टूटेगा ये। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी मतलब सफ़ेद दूध मिला है इसका। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसके अंदर बीज भी होते हैं इसके, जो कि बहुत सारी बीमारियों को दूर करने के लिए काम में लिए जाते हैं। और ये दूध ये भी बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है। बहुत सारी अंदर की गहरी चोट हो उस पे इससे मालिश करने से भी बहुत जल्द फ़ायदा पहुंचता है। ये एक्चुअली ये फल बहुत छोटा है, अभी ये बहुत बड़ा होगा, इतना साइज़ का होगा ये, तब जाके ये पकेगा और काम में लेने के लिए लायक होगा। अभी ये कच्चा है, अभी इसको काम में नहीं ले सकते हैं। और ये इसके फूल होते हैं, ये अभी बंद हैं, ये 1 या 2 दिन बाद ऐसे खुल जाएगा। ये जो खुला हुआ है बस ऐसे खुल जाएगा, और ऐसा खुलने के बाद फिर यहाँ से वो ऐसा फल लगेगा यहाँ पे। ये देखिए, मैंने इसको खोल दिया है अभी। ये देखिए, ये अपने आप ऐसा खुल जाएगा, जब रेडी हो जाएगा तब अपने आप ये सब ऐसे खुल जाता है। बहुत सारे फूल लगे हुए हैं तो मतलब बहुत सारे फल लगेंगे। जितने फूल है उसमें कम से कम आधे फूल की जगह तो फल लगेंगे ही इसमें। और देखने के लिए ज़्यादा हाइट नहीं होता है, मैक्सिमम 6 फीट हाइट तक ये पौधा होता है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होता है ये। और बहुत ही अभी तो आजकल बहुत ही रेयर हो गया है, बहुत ही कम जगह और कम ढूंढने पर बहुत ही कम मिलता है ये, उतना आसानी से नहीं मिलता है ये पौधा। और मिले तो भी आजकल किसको पता कि इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। तो जो जानकार होता है, जो वैद्य होता है, वो तो ले जाता है दवाई बनाने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए, लेकिन दूसरे लोगों को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस्तेमाल पता नहीं है कि कैसे करना चाहिए, कैसे जड़ी बूटी बनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, एक शेयर कर देना और कमेंट भी ज़रूर कर देना फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय। और अभी मैं थोड़ा आगे आया हूँ तो मुझे एक छोटा सा पौधा भी मिला है आग का, आप देख सकते हैं। एक छोटा सा पौधा है जो अभी रिसेंटली बोर्न हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। 3 डाले हैं इसके, ये 1, ये 2 और ये 3, ये 3 डाले इसका। और मन कर रहा है कि इसको मैं यहाँ से उखाड़ के अपने घर पे लेके जाके लगा दूँ, पर मुझे नहीं लगता कि ये फिर से वहाँ पे लगाने से ग्रो होगा, तो इसलिए मैं इसको नहीं ले जा सकता, मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूँ। शायद लगाने के बाद घर पे ग्रो नहीं हुआ और ख़राब हो गया, मर गया, तो वेस्ट होगा। इससे अच्छा है इसको यहीं पे रहने दूँ, पर बहुत ही प्यारा लग रहा है।